पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रतपुर कॉलोनी पिंजौर में लगाए जा रहे धरने प्रदर्शन में भाजपा पार्टी के जिला पदाधिकारीगण पहुंचे और कहा जल्द होगा समस्याओं का समाधान। भाजपा पार्टी जिला स्तर के नेतागण रतपुर कॉलोनी पिंजौर में लगाए जा रहे पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा धरने प्रदर्शन में पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आवाज़ को हरियाणा सरकार तक पहुँचाया जा चुका है और जल्दी उनकी समस्याओं का निदान करवा दिया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा अर्बन एक्ट की धारा 7(1) के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। यह धरना स्थल पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कौशल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील धीमान, व्यापार मोर्चा जिला सह संयोजक तरसेम गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता व कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा को ज्ञापन पत्र सौंपे गए हैं और उनकी समस्याओं का जल्द ही निदान करवा दिया जाएगा। 7(a) सरकार ने यहाँ पे लगाई है, हम भी उसके विरोध में हैं और हम शुरू से स्टार्टिंग से ही इसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। सबसे पहले हमने ज्ञानचंद गुप्ता जी को ज्ञापन दिया और हमने यहाँ पे भी हमने एक मैसेज छोड़ा था कि ये 15-20 लोग हमारे साथ चले हैं। 25 जी को मैंने बोला था कि हम सभी मिलकर के ज्ञानचंद गुप्ता जी भी गए और विस्तार से उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इनको जल्द ही हम मुख्यमंत्री जी से बात कर करके इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम परसों रतनलाल कटारिया जी के पास ज्ञापन लेकर के गए, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम इस 7(a) का जो है जल्दी से जल्दी हल निकालेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया भी जो नोटिफाइड एरिया है, जो रेगुलराइज कॉलोनी है, उसकी हम जल्दी से जल्दी एजेंसियाँ खोल देंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो नोटिफाइड एरिया है उसको जल्द से जल्द रजिस्ट्री कहीं ना कहीं खुल जाएंगी, जल्दी से जल्द रजिस्ट्री खुल जाएंगी। बाकी हमने तो जो ज्ञापन दिया है वो 7(a) हटाने का ही दिया है। हम सब भाइयों के साथ हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जो पिंजौर में ये 7(a) लगी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भी उसी प्रोफेशन से हैं, हम भी प्रॉपर्टी के काम से हैं, हम भी यही चाहते हैं कि 7(a) जल्द से जल्दी हटे। और ताकि जो लोग छोटे छोटे लोग यहाँ पे हैं उनका कारोबार, कोई भी व्यापारी है, किसी को कोई दिक्कत ना आए।